आम्ही आपण साहेबाला फोन करून सांगितलं का चंबरच्या पाण्यामध्ये आळ्या येतात, तर साहेबांनी सांगितलं का सोनू नेताई म्हणे सगळ्याच्या टॅक्स पावत्या घेऊन ये, आमचा टॅक्स नाही आपण साहेब नाही, तर त्यांनी सांगितलं का सगळ्या पावत्या घेऊन ये तुम्ही, आमचा टॅक्स पण क्लिअर होईल, आज गोरगरिबांना कामं नाही धंदे नाही कुठून टॅक्स भरणार आहे, इतकं चंबरचं पाणी आम्ही पितोय, आमचं पूर्ण फॅमिली बीमार पडलेली होती पूर्ण। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से इंदिरा नगर बाईजीपुरा गली नंबर 18 के अंदर, यहाँ के चैम्बरलाइन तकरीबन 1-1.5 साल से बह रही है और यहाँ के नागरिकों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, इस ताल्लुक से आइए यहाँ के नागरिकों से हम बात करते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इमरान खान है, मैं समाज सेवक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू ये जो है 19 नंबर के पास से जो पानी बह रहा, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी ये लाइन पूरी ख़राब है, यहाँ से जो जाता तो ये 15 नंबर गली तक पूरा गंदा पानी बहता, ये पूरी लाइन सड़ी हुई, और हमने कई बार महानगर पालिका को निवेदन भी दिए, यहाँ तक कि हमने बड़े महानगर पालिका में भी निवेदन दिए, अभी हमारा काम होता नहीं तो हम पूरे रहवासियों के साथ में जाके महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन करेंगे। और हमारे वार्ड के अंदर जब नल आता 10 दिन में एक बार नल आता तो कम से कम 1 घंटा गंदा पानी आता, और उसके बाद में थोड़ा बहुत पानी मिला तो मिला, नहीं तो हमारे गुजार का पानी मंगाना पड़ रहा। हम यहाँ से नारे गाँव वालों से हम बदतर हालत में यहाँ पे बाईजीपुरे में। अब वो अपने को देखो, अब अपने को किसी को बोल के कोई मतलब नहीं है, अब हमारे को जो हमारे को करना है तो हमारे को, हम जो भी काम करते आज तक हम रहवासियों के साथ में मिल के काम करते, और जो हम ये प्रशासक साहब है अभी तो हम उनसे निवेदन करते, हमारे को किसी का नाम लेके हमारे को किसी कुछ बोलना नहीं है, हमारे को जो काम कराना है अब हम जनता को साथ में लेके काम करेंगे, नहीं तो हम धरना आंदोलन हमारे आपसे काम करेंगे। ठीक। मैडम राजू दांडगे है, मैं यहाँ का 40 साल से रहता, अभी जो भी है जो समस्या है यहाँ की, अब इधर का जो पानी है समझो ड्रेनेज का, ये पूरा मंदिर के सामने आता है, अभी जो डेली अगर देखे तो महानगर पालिका में आप रजिस्टर अगर देखेंगे तो गली नंबर 18 और गली नंबर 19 का डेली एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे नाम लिखे हुआ है, आते थोड़ा थातुर मातुर काम करते निकल जाते हैं, और जो महानगर पालिका के लोग काम करने नहीं आते, करने आते हैं ना, हम मना नहीं कर रहे ना, मगर फिर भी जो काम होना वो काम नहीं होता, और जो लाइन है तुम्हारी जो बड़ी थी पहले, जो पहली जो लाइन थी तो वो अच्छी थी, लेकिन जो भी अभी ना नगर सेवक है उन्होंने वो पूरी लाइन बदल दी है और छोटी डाल दी है, वो छोटी से पूरा ये तकलीफ हो रही है हमको। ये जो है तो 2-3 साल से ऐसा मसला है कि यहाँ पैदल भी नहीं जा सकते, गाड़ी पे भी नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम हल होता ही नहीं, वो आते उनके रॉडिंग डालते चल जाते, ये मसला जो हल होने वाला है नवी पाइपलाइन करना पड़ेगा, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा, और ये गंदे पानी की वजह से नलों में भी पानी हमारे को वही मिल रहा कई सालों से। इसकी कंप्लेंट महानगर पालिका कमिश्नर साहब जो है पांडे साहब उनको किए, साथ में जाके हमने महानगर पालिका में बहुत बार बैठ गए, अब गिनती भी नहीं इतनी बार बैठे, लेकिन वो मसला जो है तो हल नहीं हो रहा हमारा, और हम चाहते हैं महानगर पालिका से हमारा ये मसला जो है तो दुरुस्त कराए। क्या मसला है? आमचे हिलईन है ना सगळी चक्क भरले पूर्ण भरले, आणि आम्हाला नळाचं पाणी ना पूर्ण खराब येतं, आणि एक घंटाभर पाणी घाण पण राहतं, आणि एकच घंटा पाणी राहतं, ते भी 8-9 दिवसानंतर पाणी येतं। चेंबरचा मसला कब से? चेंबरचं 3 वर्षापासून आहे, 3 वर्षापासून आहे, हे मंदिरासमोर पूर्ण घाण पाणी राहतं, आम्हाला चालता सुद्धा येत नाही सर, असं पाणी राहत म्हणजे कायमचं वाहत आहे। महानगरपालिका के कमिश्नर साहब से क्या मांगे आप? आम्ही 17 वेळेस गेलो साहेब, ते काही मनावर घेते नाही, येत्या ते 8 दिवसाला येत्या साफ करत्या परत ते ताबडतोब भरतं। आम्ही आपण साहेबाला फोन करून सांगितलं का चंबरच्या पाण्यामध्ये आळ्या येतात, तर साहेबांनी सांगितलं का सोनू नेताई म्हणे सगळ्याच्या टॅक्स पावत्या घेऊन ये, आमचा टॅक्स नाही आपण साहेब नाही, तर त्यांनी सांगितलं का सगळ्या पावत्या घेऊन ये तुम्ही, आमचा टॅक्स पण क्लिअर होईल, आज गोरगरिबांना कामं नाही धंदे नाही कुठून टॅक्स भरणार आहे, इतकं चंबरचं पाणी आम्ही पितोय, आमचं पूर्ण फॅमिली बीमार पडलेली होती पूर्ण पूर्ण घरामध्ये चंबरमधले पूर्ण पाणी चंबरचं येते, सारखं तकलीफ आहे आम्हाला 3 वर्षापासून पाणी येतं चंबरचं। साहेबांना फोन लावलं, साहेब सांगतात का तुम्ही आमच्याकडे पावत्या घेऊन या, आमचा टॅक्स क्लिअर होईल, त्यांना टॅक्सचं पडलं पण गोरगरिबांचं काही पडलं नाही त्यांना, आणि अक्षरशः आळ्याचे माझ्याकडे फोटो आहेत त्यांना मी पाठवले, आणि ही ड्रेनेज लाईन हे का हे भैया आणि मी आम्ही दोघं जर गेलो तरच काम होतं वार्डातून, ते म्हणते तुम्हाला काही काम नाही आहे, आमची मागणी एवढीच आहे का ज्याच्या त्याच्याकडले चंबरची लाईन जोडून त्यांची जाळी टाकून त्या गल्लीतलं पाणी पूर्ण आडव्या गल्लीतलं येतं ना मंदिराच्या गल्लीला येतं, तर ते पाणी त्यांच्या गल्ल्यामध्ये जाळ्या बसवायला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। मंदिरात जायला सुद्धा रस्ता नसतो सर, इकडचं ड्रेनेज भरले की इकडचं वाहतं, इकडचं आलं की इकडचं बंद केलं की तिकडून येतो, मंदिरात जायला सुद्धा इच्छा होत नाही आमची, असे
पूर्ण ड्रेनेजच्या पाण्यातून जावं लागतं आम्हाला मंदिरात. काय आहे म्युनिसिपल कमिशनर साहेब, पाणी 4-5 दिवस आलं पाहिजे आम्हाला. 9-10 दिवस झाले, आता 11 दिवस निघाला होता यावेळेस पाण्याला. बिलकुल पाणी पण अर्धा पाऊन तास तर आम्हाला पाणी खालीच सोडावं लागतं. महिन्यातून 3 दिवस पाणी येतं, 3 बार 10 दिवसाला एकदा पाणी येतं. आणि टॅक्स मात्र भराच म्हणते तुम्ही, तुमचं तिकडे सांगू नका. कोणी मेले बी तर हरकत नाही, पण आमचं टॅक्स भरा. आज आपने देखा हमने यहाँ इंदिरानगर बायजीपुरा 18 नंबर गली के लोगों से बात की, और ये लोगों ने काफी 2-3 साल से इन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. यहाँ के चेंबर लाइन महानगर पालिका नई चेंबर लाइन डाल नहीं रही है, और ये घड़ी घड़ी चेंबर उबल के आ रहा है. और जबकि यहाँ पे एक धार्मिक स्थल भी है, एक मंदिर भी है, और यहाँ के मंदिर में आने जाने की वजह से भी तकलीफ हो रही है. बस आज के लिए इतना ही. आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ.